आपका प्रातः क्लास है 28/5/1967 रविवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 28/5/1967 संडे। ब्रह्मांड और सृष्टि के आज मध्यंत का ज्ञान सुनाई रही। द नॉलेज ऑफ द ब्रह्मांड दैट इज यूनिवर्स एंड द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग नरेटेड। ये है राज। दिस इज अ सीक्रेट। ब्रह्मांड क्या? व्हाट इज ब्रह्मांड? ब्रह्म जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्म विच इज कॉल्ड ब्रह्मलोक दैट इज द सुप्रीम अबोर्ड। चैतन्य है या जड़त्व में है? इज इट लिविंग और इज इट नॉन लिविंग? ये भी कहते हैं जिसमें प्रवेश करती हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। इट इज ऑल्सो सेड whomever he enters he names them brahma। तो ब्रह्मा एक तरह का आत्माओं रूपी अंडों का भंडार हो गया। सो ब्रह्मा इज अ काइंड ऑफ स्टोर हाउस ऑफ एग लाइक सोल्स। उसका राज सुनाई रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ दैट इज बीइंग नरेटेड। और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान। एंड द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो बीइंग गिवन। सृष्टि का आदि कैसे होता है? हाउ डज द वर्ल्ड बिगिन? मध्य में क्या क्या होता है और फिर अंत में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन द मिडिल एंड देन व्हाट हैपेंस इन द एंड? ये बच्चे जानते हैं कि ये बातें कोई और नहीं सुना सकते सिवाय एक बाप के। द चिल्ड्रन नो नो वन एल्स अदर देन द वन फादर कैन नरेट दीज टॉपिक्स। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, इट इज बिकॉज अमंग ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड, उनमें एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। इट इज ओनली द गीता विच हैज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट राजयोग कि भगवान नरसिंह नारायण बनाते हैं। विच इज गॉड मेक्स अ मैन इनटू नारायण। अर्थात इट मीन्स नर अर्जुन को नारायण बनाया। दैट ही मेड द मैन अर्जुन इनटू नारायण। और तो दुनिया में कोई शास्त्र ऐसा है नहीं जिसमें राजयोग सिखाया गया हो और भगवान राजयोग सिखाई रहा हो, नरसी नारायण बनाए रहा हो। देर इज नो अदर स्क्रिप्चर लाइक दिस इन द वर्ल्ड इन विच राजयोग इज टॉट एंड इन विच गॉड टीचेस राजयोग एंड मेक्स अ मैन इनटू नारायण। ये बात ठीक है ना बच्चे? दिस कॉन्सेप्ट इज राइट इजंट इट चिल्ड्रन? धर्म ग्रंथ तो है ना? देर आर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स aren't there? बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है। देर इज द बाइबल द कुरान द धम्मपद। उनमें कोई राजयोग का ज्ञान थोड़े ही है। दे सर्टनली डोंट हैव द नॉलेज ऑफ राजयोग। अच्छा अच्छा। और इनके अलावे जो भी शास्त्र हैं, ऑल द अदर स्क्रिप्चर्स एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है। देर इज नो अदर स्क्रिप्चर लाइक दिस। जैसे वेद को बहुत मानने वाले वेदांती लोग, फॉर एग्जाम्पल द वेदांती पीपल बिलीव अ लॉट इन द वेदास। तो वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कोई मनुष्य जीवन का एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वह कोई उद्देश्य हो। देर इज नो सच थिंग अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ द ह्यूमन लाइफ मेंशन इन द वेदास। कि भाई इस वेद पढ़ने से या पढ़ाने वाला पढ़ाने से ये मतलब पाएगा। लाइक ब्रदर यू विल अटेन दिस स्टेटस बाय रीडिंग द वेदास और यू विल बिकम दिस थ्रू द वन हु टीचेस देम। तो इसे क्या साबित हुआ? सो व्हाट इज प्रूव्ड विद दिस? कि चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, वेदर इट इज द वेदास और स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस बुक्स, वो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स। भगवान ने सिर्फ गीता सुनाई। गॉड हैज ओनली नरेटेड द गीता। और वो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि बनाने वाले अनेक, द वंस हु क्रिएट दोस वेदास स्क्रिप्चर्स बुक्स एटसेट्रा आर मेनी। और ये गीता सुनाने वाला एक, एंड द वन हु नरेट्स दिस गीता इज द वन। बाकी है वेद पढ़ने से या पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, इसे कोई मतलब प्राप्त नहीं हुआ।
As for the rest, you won't attain any status by reading the Vedas or through the one who teaches them. इन बातों की शूटिंग कहाँ होती है? Where does the shooting of this happen? ब्रॉड ड्रामा का रिहर्सल काल जब है, In the rehearsal period of the broad drama, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जब एक ही बार भगवान बाप आते हैं, In the period of the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age, when God the Father comes only once, तो गीता ज्ञान सुनाते हैं. He narrates the knowledge of the Gita. आदि में सुनाया, मध्य में सुनाया या अंत में सुनाया? Did he narrate it in the beginning, in the middle or in the end? तीनों बार सुनाया. Did he narrate it at all the three times? अंत में सुनाया. He narrated it in the end. आदि में गीता नहीं सुनाते थे? Didn't he narrate the Gita in the beginning? आदि में भी गीता, आदि सो अंत में भी गीता. There was the Gita in the beginning, and as in the beginning, so in the end as well, there is the Gita. बाकी बीच में जितने भी वेद शास्त्र आदि लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं. All the Vedas, scriptures, etc. that are written, read and narrated in the middle. वो सारी हो गई धर्म ग्रंथों की शूटिंग. It is all the shooting of the religious scriptures. वेदों शास्त्रों की शूटिंग. The shooting of the Vedas and the scriptures. और गीता में भी कहा है जो मनुष्यों ने लिखी है. And it is also said in the Gita that is written by human beings. कि जो वेद हैं, ये त्रिगुणात्मक हैं. These Vedas are trigunatmak, that is having three qualities. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे हैं. They are full of सत्वगुण, रजोगुण and तमोगुण. सत्वगुण consisting in the quality of goodness and purity. Rajogun, dominated by the quality of activity and passion. Tamogun, that is, dominated by darkness and ignorance. जो भी कर्म कांड सिखाते हैं, उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है. Whatever karma kand they teach, the world with three qualities is created by them. Karma kand, that is, ceremonial acts and sacrificial rites or rituals. तीन गुणों में रज और तम है जिससे दुख पैदा होता है. Among the three qualities, it is the raj and tam quality that brings sorrow. तो जो भी मनुष्य मात्र हैं शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले, वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं. So, all the human beings who write scriptures and books are rajoguni, tamoguni souls. इसलिए वो कोई राजयोग नहीं सिखा सकते. That is why none of them can teach Rajyog. जिस Rajyog में तमो प्रधान को सिर्फ सतो प्रधान बनाने का तरीका बताया. The Rajyog in which the very method of making someone सतो प्रधान from तमो प्रधान has been taught. गीता है सात्विक ग्रंथ. गीता is a सात्विक, that is pure scripture. तो जरूर दुनिया में सबसे पहले गीता का ज्ञान ही आया होगा. So, certainly only the knowledge of the Gita would have come in this world, first of all. और इस गीता ज्ञान से वो चीज मिलती है जो दुनिया में कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ने से, लिखने से, सुनाने से नहीं मिली. And through the knowledge of the Gita, we receive what we can't by reading, writing and narrating any religious scripture in the world. क्या मिलता है? What do we receive? और जो धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो रजो प्रधान तमो प्रधान होने के कारण हिंसा ही सिखाते. The other religious scriptures and religious books teach only violence for being रजो प्रधान and तमो प्रधान. और गीता? And the Gita? गीता है एक ट्रुथ गॉडफादर की, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम. The Gita is of the one, God the Father, the Truth, who is called Satyam Shivam Sundaram, truthful, beneficial and beautiful. तो वो सात्विक बात ही बता रहे हैं. So, he will only tell us true things. हिंसा देने करने या दुख देने की तो बात ही नहीं.
देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटिंग वायलेंस एंड गिविंग सोरो एट ऑल। मनुष्यों ने जो गीता की टीकाएं लिखी है उनमें भी हिंसा की युद्ध दिखाई दिया। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता दैट द ह्यूमन बींग्स हैव रिटन दे हैव इवन शोन वायलेंट बैटल्स इन देम। जबकि ऐसे भी लिखा है हाउएवर इट हैज ऑल्सो बीन रिटन हे अर्जुन ओ अर्जुन ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु दिस लस्ट एंड एंगर इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। महापाप भी है इनको खत्म कर। दे आर ग्रेट सिनर इरेडिकेट देम। परंतु फिर हिंसक बुद्धि होने के कारण भूल जाते हैं। बट अगेन फॉर हैविंग अ वायलेंट इंटेलेक्ट दे फॉरगेट इट। तो जो ज्ञान गीता में है वो ज्ञान कोई और दूसरे ग्रंथों में नहीं है। सो द नॉलेज विच इज इन द गीता इजंट इन एनी अदर बुक। हाँ वेदों का बहुत गायन करते हैं। यस द वेदास आर प्रेस्ड अ लॉट। परंतु भक्ति मार्ग वाले जितना वेदों का गान करते हैं बट द एक्सटेंट टू विच द पीपल इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट इज डिवोशन प्रेस द वेदास। तो वेदों को आज की दुनिया में कोई पढ़ता है सुनता है? डज एनीवन रीड और लिसन टू देम टू दैट एक्सटेंट इन टुडेज वर्ल्ड। है फिर गायन क्यों करते हैं? देन व्हाई डू दे प्रेस देम। कोई सुनता भी नहीं पढ़ता भी नहीं अर्थ भी नहीं बताता। नोबडी इवन लिसन्स रीड्स और एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? वेयर डज दिस वेरी शूटिंग हैपन। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। दे से दैट द वेदास केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ ब्रह्मा। जरूर रिहर्सल काल में भी। सर्टेनली इवन इन द रिहर्सल पीरियड। जिस तन में प्रवेश किया होगा तो मुकर्रर रथ तो नहीं होगा। द बॉडी इन विच ही एंटर्ड वॉज इन द परमानेंट चैरियट। वो तो एक ही है। देर इज ओनली वन परमानेंट चैरियट। बाकी जो नंबर वार ब्रह्मा के रथ हैं, उनका भी नाम दिया ब्रह्मा। द रेस्ट ऑफ द नंबर वाइज चैरियट्स ऑफ ब्रह्मा आर ऑल्सो गिवन द नेम ब्रह्मा। तो जो आखिरी ब्रह्मा है उसके मुख से जो बोले उसमें आई मिक्सचर थी। सो देयर वाज मिक्सचर इन व्हाट वाज स्पोकन थ्रू द माउथ ऑफ द लास्ट ब्रह्मा। तो तीनों गुण दिखाए जाते हैं वेदों में। सो द वेदास आर सेड टू हैव ऑल द थ्री क्वालिटीज। बहुत कर्मकांड की बातें करते हैं। दे स्पीक अ लॉट अबाउट कर्मकांड दैट इज ऑस्टेंटेशंस। यज्ञ करो तप करो दान करो ये करो पुण्य करो। डू यज्ञ तप दैट इज इंटेंस मेडिटेशन। गिव डोनेशंस डू दिस परफॉर्म नोबल डीड्स। यज्ञ दैट इज सैक्रिफिशियल सेरेमोनी। सृष्टि के आदि विद्या अंत का तो ज्ञान किसी ने सुनाया ही नहीं। नोबडी नरेटेड द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट ऑल। तो भले वेदों का गायन करते हैं परंतु ये समझते नहीं हैं कि फिर भी तो एक गीता का ही महत्व है जिसमें भगवान ने राजयोग सिखलाया। जिसमें राजाई प्राप्त करने का योग बताया। दो द प्रेस्ट वेदास दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ओनली द वन गीता इन विच गॉड हैज टॉट राजयोग इन विच ही टॉट द योग ऑफ ऑब्टेनिंग किंगशिप इज इम्पोर्टेंट। किससे योग लगाना है? विथ हुम शुड यू हैव योग दैट इज मेक अ कनेक्शन। जरूर उससे योग लगाना है। सर्टेनली यू मस्ट मेक अ कनेक्शन विद द वन जो बहुत श्रेष्ठ शासक है। हु इज अ वेरी एलिवेटेड रूलर। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजा है संसार का। द मोस्ट एलिवेटेड किंग ऑफ द वर्ल्ड। कैसा राजा? What kind of a king? आज के राजा क्या करते हैं? What do the kings of today do? राजा चलाने के लिए बड़ा पुलिस का हुजूम रखते हैं मिलिट्री रखते हैं। They keep a big police force, the military, to run their kingship. उन्हें डर रहता है। They are afraid. भय रहता है। They have fear. तो कंट्रोल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। So they take the support of violence to control. क्योंकि तमो प्रधान है रजो प्रधान है। Because they are तमो प्रधान रजो प्रधान। एक ही आत्मा है संसार में पार्ट बजाने वाली। There is only one soul who plays a part in this world. जो कभी भी रजो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनती। Who never becomes रजो प्रधान और तमो प्रधान।
वो सदा सत्य है. ही इज ऑलवेज सत, दैट इज ट्रू. है तो वो भी बिंदी, जैसे हम आत्मा बिंदी है. ही इज ऑल्सो अ पॉइंट, जस्ट लाइक वी सोल्स आर पॉइंट्स. परंतु वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से, बट बिकॉज ही डजंट पास थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, गर्भ से जन्म न लेने से, बिकॉज ही इज इन बॉर्न थ्रू द वूम्ब, उस पे कोई संग का रंग नहीं लगता है. ही इज इंट कलर्ड बाई एनी वंस कंपनी. तो साबित हो जाता है, सो इट इज प्रूव्ड, कि गीता में वो कौन सा भगवान है. हु इज गॉड ऑफ द गीता. जो दूसरे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता. देर कांट बी एनी अदर टीचर लाइक हिम इन द अदर स्क्रिप्चर्स. कौन सा भगवान है? विच गॉड इज इट? जो सदा अच्छे से अच्छा शासन करने वाला है. द वन हु ऑलवेज रूल्स इन द बेस्ट वे. कैसा अच्छा शासन? हाउ डज ही रूल इन द बेस्ट वे? है ऐसा अच्छा शासन करता है जो उसका नाम ही पड़ता है महेश्वर. He rules in such a good way that he is given the name Maheshwar. Ishwar. Ishwar. Ish माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ. Ish means to rule and var means elevated. उससे ज्यादा अच्छा शासन किसी ने संसार में किया ही नहीं. No one in the world ruled in a better way than him. इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, धर्म ग्रंथों को मानने वाले हुए फॉलोअर्स. दिस इज वाई इन द वर्ल्ड ऑल द रिलीजियस फादर्स एंड देयर फॉलोअर्स एंड द फॉलोअर्स बिलीवर्स ऑफ रिलीजियस बुक्स. उनमें से कोई ऐसा संसार में हिस्ट्री में नहीं निकला जिसने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की हो, शासन किया हो. देयर वाज नोबडी अमंग देम इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री हु वाज एबल टू गेन विक्ट्री ओवर द एंटायर वर्ल्ड एंड रूल इट. क्यों? वाई? क्यों नहीं निकला? Why wasn't there anyone? क्योंकि वो सब हिंसक हुए. It is because they all turned out to be violent. हिंसा के आधार पर सारी दुनिया में उन्होंने कंट्रोल करना चाहा. They wanted to control the entire world based on violence. और दुनिया में भी देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा होते हैं वो क्या हिंसा करना सिखाते हैं. It is also seen in the world. Do the good sages, saints and noblemen teach violence? नहीं? No. शास्त्रों में भी दिखाया है ऋषियों मुनियों ने कोई हिंसा करना थोड़ी सिखाया. It has also been shown in the scriptures that the sages and monks didn't teach violence. तो जो भगवान होगा वास्तव में वो हिंसा करना कैसे सिखाएगा? Then how will the one who is the real God teach violence? है? कह देते हैं बुद्ध भगवान. They say God Buddha. शंकराचार्य भगवान, व्यास भगवान. God शंकराचार्य, God व्यास. राम भगवान. God राम. कृष्ण भगवान. God कृष्णा. और सबको बैठ करके हिंसा करते हुए दिखाया है. And have shown that all of them commit violence. तो जरूर गीता ज्ञान देने वाला, गीता में राजयोग सिखाने वाला जो भगवान है असली, वो आत्मा है. सो सर्टनली द वन हु गिव्स द नॉलेज ऑफ द गीता, द वन हु टीचेस राजयोग इन द गीता, द रियल गॉड इज दैट सोल. जो कभी भी असत्य काम नहीं करती. हु नेवर परफॉर्म्स एनी फॉल्स एक्ट. दुख देने का, हिंसा देने का न काम करती है, न हिंसा करना सिखाती है. ही नीदर परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ गिविंग सोरो और कमिटिंग वायलेंस नॉर टीचेस वायलेंस. और वो एक ही है. एंड ही इज द ओनली वन. ऐसा सात्विक कर्म करने वाला, द वन हु परफॉर्म्स सच सात्विक एक्शन, एक के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता. कैन बी नन अदर देन दैट वन. लेकिन कहते हैं वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता. बट दे से ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. भले चक्र में नहीं आता है, लेकिन जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश तो कर सकता है. तो ही डजंट कम इन द साइकिल, जस्ट लाइक गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स एंटर, ही कैन डेफिनेटली एंटर समवन. गीता में भी लिखा है. इट हैज आल्सो बीन रिटन इन द गीता. प्रवेश तुम. प्रवेश तुम. प्रवेश करने योग्य हूँ. आई एम केपेबल ऑफ एंटरिंग समवन. बाकी उसका प्रवेश भी जो है
वो अन्य धर्म पिताओं के मुआफिक नहीं है. वेल, इवन हिज एंट्रेंस इजंट लाइक दैट ऑफ द अदर रिलीजियस फादर्स. भूत प्रेतों के मुआफिक नहीं है. इट इजंट लाइक गोस्ट एंड स्पिरिट्स. जो कि फरिश्ते कहे जाते हैं उनके मुआफिक भी नहीं. इट इजंट लाइक द वंस हु आर कॉल्ड एंजल्स ईदर. क्यों? व्हाई? क्योंकि वो तो ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा है. इट इज बिकॉज ही सच अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल. जिसके ऊपर पाप पुण्य का कोई हिसाब किताब है ही नहीं. हु डजंट हैव एनी अकाउंट ऑफ सिन और नोबल डीड एट ऑल. तो बहुत हल्की फुल्की आत्मा है. ही इज अ वेरी लाइट सोल. तो जब भी किसी में प्रवेश करेगी तो पता ही नहीं चलता कब आई कब चली गई. सो व्हेन ही एंटर्स समवन दैट वन डजंट नो व्हेन ही केम और व्हेन ही लेफ्ट. और वो एक ही आत्मा है सारे सृष्टि में. एंड ही इज द ओनली सोल लाइक दिस इन द एंटायर वर्ल्ड. तो देखो. सो लुक. असली बात तो ज्ञान और राजयोग की गीता में बताई गई है. द रियल फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड राजयोग इज मेंशन्ड इन द गीता. क्योंकि आजकल वेद 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 टिक टिक बहुत करते हैं वेदों की. इट इज बिकॉज नाउअडेज दे कीप सेइंग वेद वेद वेद. दे ब्लैबर अ लॉट अबाउट द वेदास. दुनिया में ऐसी बात है. इट इज लाइक दिस इन द वर्ल्ड. फिर उन वेदों के साथ शास्त्र वगैरह भी हैं. देन देर आर ऑल्सो स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा अलोंग विद द वेदास. तो शिव बाबा ने सबको मिलाए करके सब शास्त्रों को वेदों को धर्म ग्रंथों को मिलाए करके. सो शिव बाबा हैज कंबाइंड ऑल ऑफ देम. All the scriptures, the Vedas and religious books. जो भी इतनी सामग्री दी है ज्ञान की. And whatever material of knowledge that he has given us. वो सार रूप में सब मिलाए करके बोल दिया. He has combined them all and told us their essence. क्या बोल दिया? What did he tell us? कि ये धर्मशास्त्र और ये वेद वगैरह ये सब भक्ति मार्ग के हैं. These religious scriptures and Vedas, etc., all belong to the path of bhakti. ज्ञान का नाम निशान नहीं. There is no name and trace of knowledge in them. क्या? What? भक्ति मार्ग नाम क्यों दिया? Why is the name the path of bhakti given? हिसाब की बुद्धि भटकाते रहते हैं, भागती रहती है, स्थिर है, एकाग्र कहीं होती नहीं. It is because they keep misleading everyone's intellect. It meaning the intellect keeps running. It never stabilizes, becomes focused anywhere at all. तो बुद्धि की दुर्गति होती रहती. So the intellect keeps degrading. दुर्गति का मार्ग हो गया भक्ति मार्ग. The path of bhakti has become the path of degradation. अब इन बातों को वो वेद वेद जो चिल्लाते हैं महिमा करते हैं वो वेद वाले तो नहीं समझेंगे. Now, those who shout Vedas, Vedas, praise the Vedas, won't understand these topics. वो समझते हैं हम तो बड़ी ऊंची चीज का अध्ययन करते हैं. They think that they study something really great. तो वो तो हैं भक्ति मार्ग में. So, they are in the path of bhakti. वो अपनी भक्ति की निंदा थोड़े ही सुनेंगे. They certainly won't listen to the defamation of their bhakti. क्योंकि वेद तो बहुत पुराने हैं. It is because the Vedas are very ancient. तो समझते हैं जितनी पुरानी चीज होगी old is gold. So they think the older a thing is, old is gold. तो अपन को बहुत ऊंचा समझते हैं. They consider themselves very great. इसलिए. That is why. वो भक्ति की थोड़ी भी निंदा नहीं सुनेंगे. They won't listen to even a bit of defamation of bhakti. और ज्ञान है वो तो अंधश्रद्धा की चीज नहीं है. अंधविश्वास की बात नहीं है. एंड नॉलेज इजंट अ सब्जेक्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन. ज्ञान में तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास को खत्म करने की बात है. इन फैक्ट इन नॉलेज इट इज अबाउट टर्मिनेटिंग ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन. तो ज्ञान तो भक्ति की निंदा करेगा ना. सो नॉलेज विल डिफेम भक्ति वॉन्ट इट. क्या? वॉट? ये भक्ति नीचे गिराती है. दैट भक्ति ब्रिंग्स डाउनफॉल. ज्ञान से गति जगति होती है. एंड लिबरेशन एंड ट्रू लिबरेशन इज अचीव्ड थ्रू नॉलेज.
लिखते वैसे शास्त्रों में भी है। They also write it in the scripture. Yeah, रिते ज्ञानान्न मुक्ति। What? रिते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। It means no one can achieve liberation and liberation in life without knowledge. ये भी लिखते हैं ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। They also write ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, ये नहीं कहते हैं भक्त प्रिय है। Meaning God loves the knowledgeable ones very much. It isn't said that he loves devotees. सन्यासी प्रिय है। He loves ascetics. फिर अगम बगम दूसरी बातें आ जाती। Then other confusing topics come up. ये जानते नहीं है कि ज्ञान तो ऊंचते ऊंचे एक आत्मा से आता है, सुप्रीम सोल से। They don't know that knowledge comes from the one, the highest of the high soul, the supreme soul. क्यों नहीं जानते? Why don't they know this? क्योंकि It is because इस सृष्टि के चक्र में आकर के जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्माएं सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई। Coming in the cycle of this world, in the cycle of birth and death continuously, the souls have become tamo pradhan from sattva pradhan. पतित बन गए। They have become impure. मन बुद्धि पतित बन गई और शरीर भी पतित बन गए। Their mind and intellect as well as their body have become impure. परंतु ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते वो भक्त लोग। However, those devotees aren't ready to accept कि भक्ति से पतित बने। That they have become sinful because of bhakti. अरे हिस्ट्री उठा के देख लो, 2500 से जो हिस्ट्री मनुष्यों की बनी हुई है। Look into the history of 2500 years which human beings have made. काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार बढ़े हैं या घटे हैं? Has lust, anger, greed, attachment and ego, the vices increased or have they decreased? तो मानेंगे नहीं। They won't accept this. तो जो पतित बने हैं उनको समझ में तो आता ही नहीं है। So, those who are impure don't understand at all. क्या हम कोई भक्ति करने से पतित बने? That they have become impure because of doing bhakti. और भक्ति अंधश्रद्धा सिखाती है, अंधविश्वास। And bhakti teaches blind faith and superstition. भक्ति में सत्संग में जाते हैं। In bhakti, when someone goes to a satsang, गुरु जी जो कुछ सुनाएंगे कहेंगे सत्य वचन महाराज। This is सत्य वचन महाराज to whatever the गुरु जी says. सत्य वचन महाराज, whatever you say is true, sir. रावण को 10 शीस थे, सत्य वचन महाराज। He says, Ravan had 10 heads. They say, सत्य वचन महाराज। अरे अरे 10 शीस वाला रावण पैदा कैसे हुआ होगा? How would have Ravan having 10 heads be born? ये कोई बात हुई? Is this logical? फिर बताओ, कोई बात होती है तो उसका कारण और कार्य का विश्लेषण किया जाता है ना? Then tell me, if something happens, the action and its reason are analyzed, aren't they? तो समझ की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। So, they aren't ready to accept any point of intelligence. समझ माने बुद्धि। Intelligence itself means the intellect. अब बुद्धि पतित बन गई। Now, if the intellect has become impure, तो मानेंगे कैसे कि हम पतित हैं? How will they accept that they're impure? कहते हुए भी नहीं कहते हैं कि हम पतित बने। They don't say, that is accept, despite saying that they have become impure. क्या? What? क्या कहते हुए? Despite saying what? कीर्तन करते हैं। They do sing kirtan, don't they? Kirtan meaning singing hymns in a group. हे पतित पावन आओ। O purifier of the sinful, come. हमको पतित से पावन बनाओ। Make us pure from impure. इसका मतलब पतित हैं तभी तो कहते हैं, कीर्तन करते हैं। It means they are impure. Only then do they say this and sing hymns about it. देखो कैसे बने हैं। Look what they have become. कुछ भी देखो पता नहीं है। See whatever they don't know anything. तो बाप आत करके ये भक्ति मार्ग की पतितपने की सारी बातें समझाते हैं, सब कुछ। So the father comes and explains all the aspects of impurity of the path of bhakti.
ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। समझाती ये भी है कि मैंने आकर के तुमको राजयोग सिखलाया था, है जिसका भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है, सहज गीता ज्ञान और राजयोग श्रीमद् भगवत गीता। He also explains, I came and taught you Raj Yoga, which has been named the easy knowledge of the Gita and Raj Yoga, the Srimad Bhagavad Gita in the path of bhakti. Naam rakh diya hai. They have kept the name. To aur to koi shastra mein to likha nahi hai, Bhagavad Gita, Bhagwan ka naam to nahi likha hua. So, it isn't written in any other scripture, Bhagavad Gita. The name of God hasn't been written. एक ही दुनिया में शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है भगवान की गाई हुई गीता। There is only one scripture in the world in which it has been written, Gita sung by God. तो वो गीता मैं तुमको राजयोग सिखलाया था। So I taught you Rajyog in that Gita. और गीता का संसार में इतना मान तो है। And there is a lot of respect of the Gita in the world. बहुत टीकाएं की हुई हैं। Many interpretations have been made. बहुत ट्रांसलेशन किए हुए हैं दूसरी दूसरी भाषाओं में। It has been translated in many languages. लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इतना नाम क्यों है। However, they don't know why it is so famous. वो भी बता दिया। It has been said for that as well. कि जो चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे वो बात लोप हो जाती है। Something that becomes very old gradually vanishes. ये भी बताया, गीता में भी बताया है, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। It has been said in the Gita as well that this knowledge becomes partially extinct. ये ज्ञान कोई परंपरा चलता नहीं रहता है। This knowledge doesn't continue like a tradition. और झूठी झूठी परंपराएं ढेर सारी चलती हैं। नुकसानदायक। Many false, harmful traditions continue. और जो सत्य बाप ने सुनाया। And whatever the true father narrated. वो परंपरा नहीं चलती। That tradition doesn't continue. यही एक गीता है, जिससे बाप धर्म की स्थापना करते हैं। This is the only Gita through which the father establishes religion. क्या? What? माना? दुनिया का सबसे अव्वल नंबर शास्त्र है और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। It means this is the number one scripture in the world and it establishes the number one religion. कहते भी है सत्य सनातन धर्म, परंतु ये नहीं जानते कि जब ये धर्म स्थापन किया था। They also say the true ancient religion. But they don't know that when this religion was established, तो दुनिया में सुख की स्थापना हुई थी। Happiness was established in this world. दुख खत्म हो गया था। Sorrow was over. दुख का नाम निशान नहीं रहा, सुख ही सुख। There wasn't any name and trace of sorrow. There was happiness and only happiness. ऐसी धारणाएं सिखाते हैं। और बुद्धि में वो बातें बैठाते हैं, स्थापन करते हैं। He teaches such dharana and makes those ideas sit in the intellect. Dharana meaning beliefs and practices of a religion. और ये भी बात है। And this is a fact. कि भगवान ने गीता में जो राजयोग सिखाया, ज्ञान की बातें सुनाई। That the Rajyoga God taught in the Gita, the topics of knowledge he narrated. सृष्टि के आदि में अंत का ज्ञान सुनाया। The knowledge of the beginning, the middle and the end of the world that he narrated. ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया। The knowledge of ब्रह्मांड meaning universe that he narrated. उसकी कोई परंपरा नहीं चली शास्त्रों में। None of its tradition continued in the scriptures. क्यों? Why? क्योंकि भगवान आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं। It is because when God comes and narrates the knowledge of the Gita, तो सब धर्मों का विनाश हो जाता है। The destruction of all the religions happens. सब धर्म शास्त्रों का विनाश हो जाता है। The destruction of all the religious scriptures happens. दुनिया में जितने राज्य हैं, वो सब का विनाश हो जाता है। The destruction of all the kingdoms of the world happens. यहाँ तक के जो राज्य दुनिया में फैले हुए हैं अलग अलग धर्म खंडों में,
द किंगडम्स विच आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड इन द डिफरेंट रिलीजियस लैंड्स, उन धर्मखंडों का भी विनाश हो जाता है. इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दोस रिलीजियस लैंड्स हैपेंस. तो फिर ये गीता जो सुनाई, इनके कोई शास्त्र बनने का सवाल ही नहीं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी स्क्रिप्चर ऑफ द गीता दैट वाज नरेटेड. धर्म की स्थापना हुई, पुराने धर्मों का विनाश हुआ. द रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड, द ओल्ड रिलीजन्स वर डिस्ट्रॉयड. और परंपरा चलेगी नहीं. एंड द ट्रेडिशंस वॉन्ट कंटिन्यू. ऐसे नहीं कि वहाँ सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में कोई शास्त्र बैठ करके सुनाते होंगे, धर्म की बातें बैठ सुनाते होंगे. इट इज इन दैट समवन सिट्स एंड नरेट्स द स्क्रिप्चर्स एंड द टॉपिक्स ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड ऑफ राम एंड कृष्ण इन द गोल्डन एंड सिल्वर एज. बाकी बाद में इस दुनिया में जो भी धर्म आते हैं स्थापना करने के लिए, धर्म पिताएं आते हैं. लेटर ऑल द रिलीजियस फादर्स हु कम टू एस्टेब्लिश रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड. उनके आने के बाद ऐसा कोई विनाश नहीं होता है दुनिया का जो गम छा जावे सारी दुनिया में, और जो कुछ भी है वो सब गुम हो जाए. नो सच डिस्ट्रक्शन हैपेंस इन दिस वर्ल्ड सो दैट सोरो वुड स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग वुड बी लॉस्ट. इसलिए देखो, दैट इज वाई लुक, ये सभी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, ऑल द इस्लामिक पीपल, द बुद्धिस्ट, द क्रिश्चियंस एंड सो ऑन, वो सभी शास्त्र जो बनाए हैं उनकी परंपरा चल रही है दुनिया. वॉट एवर स्क्रिप्चर्स दे मेड दैट ट्रेडिशन कंटिन्यूज इन द वर्ल्ड. वो पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग इट. गीता भी पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग द गीता एज वेल. लेकिन गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया. But the name of Krishna has been added in the Gita. क्या? What? भगवान आकर के राजीव सिखा के नरको नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं. God comes and teaches Rajyog and makes a man into Narayan and a woman into Lakshmi. तो जिनको बनाया उनका नाम गीता में डाल दिया. So the one who he made into Narayan, his name has been added in the Gita. और जिसने बनाया है? And what about the one who made him Narayan? बनाने वाले का नाम उड़ा दिया. The one who made him into Narayan, his name has been removed. तो देखो. So look. झूठे झूठे शास्त्र जो दुनिया में चल रहे हैं, झूठे झूठे धर्म चल रहे हैं, उनकी परंपरा चली चली आ रही है. The false scriptures and the false religions that prevail in this world, their tradition is continuing. जो असलियत थी धर्म की, धारणाओं की, गीता ज्ञान की, वो परंपरा से नहीं चल रहा. द रियलिटी ऑफ रिलीजन, ऑफ धारणा, ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता दैट वॉज वंस प्रेजेंट, दैट ट्रेडिशन इज इन कंटिन्यूइंग. धारणा दैट इज प्रैक्टिसेस ऑफ अ रिलीजन. क्यों? व्हाई? क्योंकि एक तो बहुत पुरानी बात हो गई. वन रीजन इज दैट इट हैज बिकम वेरी ओल्ड. दूसरे? एंड सेकेंडली? उसके बाद दुनिया का विनाश ही हो जाता है. The world is destroyed right after that. तो खेल गला? So everything ends. तो देखो. So look. ये जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के शास्त्र चले आ रहे हैं. The scriptures of Abraham, Buddha, Christ, etc. which prevail. वो कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं? From when are they prevalent? इसमें कोई शक नहीं है कि वो चले आ रहे हैं परंपरा से. There is no doubt that they are continuing as a tradition. फिर भी वो शास्त्र बनाए तो भक्ति मार्ग में ही है. Still, those scriptures have been made in the path of bhakti, haven't they? क्या? What? जो भी शास्त्र बनाए हैं, उन शास्त्रों के आधार पर जो भी फॉलोअर्स चल रहे हैं. All the scriptures that have been prepared and the followers who are following them. वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारों में भागते रहते हैं ना. दे कीप रनिंग टू टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस एंड गुरुद्वारे, डोंट दे? गुरुद्वारे मीनिंग सिख श्राइन्स. और सैकड़ों बरस से हिस्ट्री में भाग रहे हैं ऐसे. एंड दे हैव बीन रनिंग लाइक दिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री. ये गीता भी बनाई भक्ति मार्ग में. दिस गीता हैज ऑल्सो बीन मेड इन द पाथ ऑफ भक्ति. जो असली गीता थी, गीता ज्ञान था, राजयोग सिखाया था, वो तो गुम हो गया. द रियल गीता, द नॉलेज ऑफ द गीता
द राजयोग दैट वॉज टॉट वैनिश्ड. और कोई चीज गुम नहीं हुई. नथिंग एल्स वैनिश्ड. असली चीज गुम हो गई. द रियल थिंग वैनिश्ड. और जो दूसरे धर्म आए उनके बीच में तो कोई विनाश आया ही नहीं. एंड द अदर रिलीजन्स दैट केम देयर वॉज नो डिस्ट्रक्शन दैट केम इन बिटवीन देम. इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जब से आए तब से लेकर अब तक भी उनका तो बीच में कभी विनाश हुआ ही नहीं. Ever since the Islamic people, the Buddhists, the Christians came, their destruction never happened in between. पुरानी परंपराएं, पुराना ज्ञान, उन शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में. Old traditions, old knowledge, whatever is written in those scriptures and religious books. कुछ भी खत्म नहीं हुआ जो नई दुनिया बन जाए. Nothing perished so that the new world would be created. पुरानी चीज खलास होगी तब तो नई बनेगी ना. Only when the old is terminated will the new one be made, won't it? ऐसे थोड़ा ही पुराना मकान खत्म ना हो, खलास ना हो और नया मकान बन जाए. It is certainly not that the old house isn't demolished, isn't destroyed and the new house becomes ready. तो वो तो चलती चली आ रही है. So that has been continuing. और ये है गीता ज्ञान. And this is the knowledge of the Gita. जो भगवान आकर सुना रहे हैं. That God is narrating after coming. इनके बारे में तो तुम बच्चे जानते हो. You children know about it. ये गीता ज्ञान है ही family planning का शास्त्र. You know that the knowledge of the Gita is certainly the scripture of the family planning. क्या? What? सारी दुनिया में family planning हो जाएगी. There will be the family planning in the entire world. अभी कितनी family planning करते रहते हैं. They do so much family planning now. हर वर्ष करते हैं ना. They do it every year, don't they? दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है. Is the population of the world increasing or is it decreasing? बढ़ रही. It is increasing. फिर बाप जब आते हैं गीता ज्ञान सुनाते हैं तो एकदम फैमिली प्लानिंग हो जाए. And when the father comes and narrates the knowledge of the Gita, the family planning happens at once. जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अच्छे से अच्छी आत्माएं हैं वो ही बचती. ओनली द मोस्ट एलिवेटेड एंड द बेस्ट सोल्स रिमेन. बाकी सारी दुनिया खत्म. द रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड. और देखो तुमको बाप ही पढ़ाए रहे. एंड लुक द फादर हिमसेल्फ इज टीचिंग यू. ऐसे नहीं कि तुमको कोई अनेक गुरु पढ़ाए रहे. इट इज इन दैट मेनी गुरुज आर टीचिंग यू. दूसरे कोई दुर्गुरु लोग धर्म पिता है तो ये जो एम ऑब्जेक्ट तुमको दी है उसकी बात पढ़ाते ही नहीं. The other gurus or religious fathers don't teach anything about the aim and object given to you. तुमको जो पढ़ाते हैं भगवान वो तो राजा ही करना सिखाते हैं. The lesson that God teaches you is that he teaches you to rule. राजा ही की पढ़ाई पढ़ाते हैं. He teaches the lesson of kingship. दुनिया में जो भी धर्म पिताएं हुए विद्वान पंडित आचार्य हुए. All the religious fathers, scholars, erudite men and teachers in the world. उन्होंने राजा ही करना सिखाया कि आधीन बनाया. Did they teach how to rule or did they make you subordinate? आधीन बनना सिखाया. They taught you to become subordinate. तो तुम्हारे से कभी कभी कहते हैं ना. So they tell you sometimes, don't they? भाई वेद वेद ही सब कुछ है. Brother, only the Vedas are everything. परंतु वेदों से जो ज्ञान आया वो ज्ञान सुनाया किसने. However, who narrated the knowledge that came from the Vedas? है कहते हैं ऋषियों मुनियों ने वेद लिखे. They say sages and monks wrote the Vedas. वो तो बाद में लिखे. But they wrote them later. पहले पहले कहाँ से आया. Where did it come from first of all? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से आया. They say it came out from the mouth of Brahma. अरे अरे ब्रह्मा ने तो सृष्टि के आदि में सृष्टि रची होगी ना. ब्रह्मा विल हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, वोंट ही? है जब ये शास्त्र जो बनाए हैं वेद वगैरह. देन द स्क्रिप्चर्स दैट हैव बीन मेड द वेद एंड ऑल. ये इनकी हिस्ट्री तो 2500-3000 साल की मिल रही. इससे ज्यादा तो नहीं मिल रही. द हिस्ट्री ऑफ ओनली द पास्ट 2500 to 3000 years इज अवेलेबल. द हिस्ट्री प्रायर टू दैट इज इंट अवेलेबल. तो ये वेद है जो कहते हो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले.
सो द वेदास फॉर विच इट इज सेड दैट द वेदास केम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा. ये सृष्टि के आदि की बात बताते हो. यू टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. और लाखों वर्ष सृष्टि को दे दिया. एंड द वर्ल्ड हैज बीन गिवन एन एज ऑफ 100,000 ऑफ इयर्स. तो वेद सुनते आए अब तक क्या प्राप्ति हुई. सो व्हाट अटेनमेंट्स डिड यू मेक बाय लिसनिंग टू द वेदास कंटिन्यूअसली. वेदों से तो कोई प्राप्ति नहीं हुई. यू अटेन्ड नथिंग थ्रू द वेदास. ब्रह्मा के मुख से वेद निकले. द वेदास केम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा. तो ब्रह्मा से कोई प्राप्ति होती है. सो डू वी रिसीव एनीथिंग फ्रॉम ब्रह्मा. अगर ब्रह्मा से प्राप्ति हुई होती तो ब्रह्मा के मंदिर होते. Had we received attainments from Brahma, there would have been temples of Brahma. ब्रह्मा की मूर्तियाँ होती पूजने के लिए. Idols of Brahma to worship him. होती हैं. Are there? हैं? होती हैं. Are there? नहीं होती. There aren't. इसका मतलब ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो उस समय की बात है जब रिहर्सल हुई. It means the Vedas came out from the mouth of Brahma is an idea of that time. When the rehearsal happened. लेकिन जैसे वेदों को कोई समझता नहीं जानता नहीं पढ़ता नहीं सुनता नहीं. जस्ट लाइक नो वन अंडरस्टैंड्स नोज रीड्स और लिसन्स टू द वेदास. वैदिक भाषा बोलता नहीं. नोबडी स्पीक्स द वैदिक लैंग्वेज. ऐसे ही सिमिलरली जब रिहर्सल हुई थी. When the rehearsal took place. तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वेदों का. The knowledge of the Vedas that came out from the mouth of Brahma. उसे कोई ने नहीं पढ़ा बाद में जब नई दुनिया स्थापन हुई थी तब. No one read it later when the new world was established. और And बाप आते हैं तो बाप से तो मिलते हैं ना. When the father comes, we do meet him, don't we? है? ऐसा कोई बच्चा हो होता है जो बाप से मिले नहीं और वर्षा ले लेंगे. Is there any child who doesn't meet the father but takes the inheritance from him? तो बाप ने आकर के अच्छी तरह से समझाया. So the father has come and explained well. कि भाई ये है तुम्हारा बेहद का बाप. Brother, this is your unlimited father. बेहद का बाप माने? What does the unlimited father mean? बेहद माने कितने? Unlimited means how many? जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 crore. इस दुनिया में सबका बाप. ही इज द फादर ऑफ ऑल द 5-7 billion ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड. और बेहद का राज समझाने वाला है. एंड ही इज द वन हु एक्सप्लेन्स द अनलिमिटेड सीक्रेट्स. बेहद का ज्ञान समझाने वाला है. ही इज द वन हु एक्सप्लेन्स द अनलिमिटेड नॉलेज. बेहद क्यों कहते. व्हाई इज इट कॉल्ड अनलिमिटेड. और शास्त्र वगैरह जो है वो लिमिटेड है. All the other scriptures and so on are limited. Limited ज्ञान सुनाते हैं. They narrate limited knowledge. लेकिन भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें लिमिट नहीं है. But there is no limit to the knowledge that God narrates after coming. कोई शास्त्र तो सुनाते ही नहीं है. He doesn't narrate any scripture at all. भगवान आवेगा तो उसे शास्त्र रेफर करने की क्या दरकार. ये तो मनुष्यों का काम है मनुष्य गुरुओं का. तो शास्त्र पढ़ते हैं वेद पढ़ते हैं पढ़ करके फिर दूसरों को सुनाते. Why would God have to refer to scriptures when he comes? This is the task of the human beings, human gurus, to read scriptures, Vedas, and narrate them to others. नहीं भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना. No, God is त्रिकालदर्शी, isn't he? त्रिकालदर्शी meaning the one who knows the three aspects of time. उसको पढ़ने लिखने की क्या दरकार. What is the need for him to read and write? तो ये खुद कहते हैं. So he himself says. कि मैं तुम सभी को ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वेद ग्रंथ उपनिषद वगैरह इन सब का सार समझाता हूँ. I explain the essence of the scriptures of the path of bhakti, the Vedas, the Granth, that is holy book of the Sikhs, the Upanishad and so on. क्या वॉट ताकत किसमें होती है. वॉट हैज पावर. सार में ताकत होती है या विस्तार में ताकत होती है. इज देयर पावर इन एसेंस और इज देयर पावर इन एक्सपेंस. सार में ताकत होती है. देयर इज पावर इन द एसेंस.
तो मैं तुम बच्चों को इन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। सो आई एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ दीज वेदास एंड स्क्रिप्चर्स टू यू चिल्ड्रन। और ऐसे ही देखो एंड सी इट दिस वे, ऐसे ये चित्र भी बनाए हुए हैं। दीज पिक्चर्स हैव ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड। क्या वॉट भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का विष्णु का चित्र बनाया ना? द पिक्चर ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति, हैजंट इट? ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा इमर्ज फ्रॉम द नाभि कमल ऑफ विष्णु। नाभि कमल लिटरली लोटस लाइक नेवल है, तो समझा सकते हैं कैसे निकला? सो कैन दे एक्सप्लेन हाउ ही इमर्ज्ड? है या तो समझने की बात है ना, यज्ञ के आदि में। हियर इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इजंट इट? इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ, जो आदि में ओम मंडली में जिससे ज्ञान की शुरुआत हुई। इन द बिगिनिंग इन ओम मंडली फ्रॉम वेयर द नॉलेज बिगैन, जो गीता ज्ञान सुनाया गया था। वेयर द नॉलेज ऑफ द गीता वॉज नरेटेड, जो तो विष्णु की तरह स्वभाव संस्कार से मिली हुई आत्माएं थी ना? देयर वर सोल्स लाइक विष्णु हुज नेचर एंड संस्कार्स हार्मोनाइज्ड, डिडंट दे? संस्कार्स पर्सनालिटी ट्रेट्स तो दिखाते हैं कि उनकी नाभि कमल से विष्णु वो ब्रह्मा निकला। सो दे शो दैट ब्रह्मा इमर्ज फ्रॉम हिज नाभि कमल। नाभि में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द नेवल? नाभि में 16,000 नसें नाड़ियां होती हैं। देयर आर 16,000 वेन्स एंड आर्टरीज इन द नेवल। उन नसों नाड़ियों का जो भी नाल निकली, द कॉर्ड दैट इमर्ज फ्रॉम दोज वेन्स एंड आर्टरीज, उसमें से जो ज्ञान निकला वो दिखाते हैं। द नॉलेज दैट इमर्ज फ्रॉम इट इज शोन। नाल निकला, अच्छा। अ कॉर्ड इमर्ज्ड, अच्छा। तो बाप बैठ करके, सो द फादर सिट्स एंड, अभी देखो ना। नाउ लुक विल यू? अभी बाप सुनाते हैं ना। इट इज द फादर हु नरेट्स द नॉलेज, इजंट इट? कब की बात? When is it about? 67 की बात। It is about 67। ओम मंडल की बात कब की है? The subject of ओम मंडली is about when? वो समय की बात, आज की, सन 36-37 की। It is about that time, the beginning, the year 36-37। तो कितने साल हो गए? How many years has it been? तो उन्होंने नाभि कमल से नाल दिखा दी। So they have shown a cord from the nabhi kamal. अभी देखो बात सुनाते हैं ना। Now look, the father narrates the knowledge, doesn't he? परंतु बाप कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। But the father certainly doesn't narrate any scriptures. हाँ, वो कहते हैं कि मैं इस भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ। Yes, he says, I know this path of bhakti very well. क्या? What? अरे वो भक्ति मार्ग की दुनिया में आते ही नहीं है। अरे he doesn't come in the world of the path of bhakti at all. तो अच्छी तरह से कैसे सुनाएंगे? Then how will he narrate it very well? जिस तन में प्रवेश करते हैं, the body which he enters, वो आत्मा अच्छी तरह से भक्ति मार्ग की बातें सुनाती है, क्योंकि उसी आत्मा ने भक्ति मार्ग क्रॉस किया पूरा। That soul narrates the topics of the path of bhakti very well, because that soul himself has crossed the path of bhakti completely. तो मैं ज्ञान मार्ग को भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ। So I know the path of knowledge as well as the path of bhakti. कहने वाला कौन? Who's the one who says this? एक व्यक्तित्व तो है या कहने वाले दो हैं? Is it one personality or are there two personalities saying this? दो हैं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी। आर देयर टू पर्सनालिटीज? एक ही शख्सियत है ना। देयर इज ओनली वन पर्सनालिटी, इजंट देयर? तो उसमें दो आत्माएं हैं। सो देयर आर टू सोल्स इन हिम। एक है जो भक्ति मार्ग में कभी जन्म ही नहीं लेती। वन इज द सोल हु इज नेवर बोर्न इन द पाथ ऑफ भक्ति। और दूसरी है वो न भक्ति मार्ग में जन्म लेती, नई दुनिया में जन्म लेती।
जहाँ ज्ञान का सार होता है. And the other is the soul who is neither born in the path of bhakti nor in the new world where there is the essence of knowledge. So, वो ज्ञान देने वाली आत्मा, the soul that gives the knowledge, supreme soul बाप, the supreme soul father, आत्माओं का बाप, the father of the souls, वो ज्ञान की बातें सारी सुनाता है. ज्ञान मार्ग जिससे सदगति होती है. He narrates all the topics of knowledge. The path of knowledge through which true liberation is brought about. और भक्ति मार्ग को जानने वाला कौन हुआ उसी शख्सियत में? And who is the one who knows the path of bhakti in the same personality? जिसने पूरे 84 जन्म लिए. The one who has had the complete 84 births. तो देखो. So look. मैं ज्ञान मार्ग की बातें भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ. I know the topics of the path of knowledge as well as the path of bhakti. है? मैं क्यों कह दिया? Why was it said I? है? मैं एक को कहा जाता है या दो को? Is I said for one or two people? एक को कहा जाता है मैं. I refers to one person. परंतु वो एक जो निराकार है, सदा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम, बिंदु का ही नाम शिव है. But the one who is incorporeal, forever Shiv, whose name of the very soul, the very point is Shiv. वो जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान के आधार पर जो आत्मा सुनती है समझती है वो बाप समान स्टेज को धारण कर. The knowledge that he narrates, based on that knowledge, the soul who listens and understands assimilates the stage equal to the father. इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव. That is why it is said त्रिमूर्ति शिव. क्या? What? बाकी कोई शिव आत्मा को मूर्तियाँ होती नहीं है. Otherwise, the soul Shiv doesn't have any मूर्तियाँ. मूर्ति literally means idol, personality. लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उस मूर्ति की बात है कि वो मूर्ति राजयोग की स्टेज में ऐसी चढ़ती है. But the one whom he enters, it is about that murti that goes so high in the stage of Rajyog. ज्ञान को विज्ञान बनाई लेती, विशेष ज्ञान राजयोग का. That he makes knowledge, ज्ञान, into science, विज्ञान, the special knowledge of Rajyog. और बाप समान स्टेज को धारण कर लेती. And attains a stage equal to the father. तो एक ही आत्मा हुई ना? So it is only one soul, isn't it? इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया. दिस इज वाई दे हैव कम्बाइंड बोथ ऑफ देम एंड मेड देम वन इन द पाथ ऑफ भक्ति. किसको दोनों को? विच टू सोल्स? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया. दे कम्बाइंड शिव एंड शंकर एंड मेड देम वन. तो मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को जानता हूँ. सो आई नो बोथ द पाथ ऑफ नॉलेज एज वेल एज द पाथ ऑफ भक्ति. किसने कहा? Who said this? मैं कह के बोला तो किसने कहा? It was said I. So, who said it? है? जो सिर्फ निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, अभोक्ता करता है, उसने कहा या जिसने प्रवेश किया उसने कहा? The soul who remains only in the incorporeal stage, who doesn't pass through the cycle of birth and death, who is abhokta, akarta. Did he say it? Abhokta, meaning the one who doesn't seek pleasure. Akarta, the one who is beyond the effect of actions. Or did the one whom he entered say it? जिसने प्रवेश किया, उस आत्मा ने कहा कि मैं ज्ञान मार्ग को भी अच्छी तरह जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ. The one whom he entered, it is that soul who said, I know the path of knowledge as well as the path of bhakti very well. इसीलिए तो आकर के समझाता हूँ. That is why I come and explain to you. कहता हूँ ये भक्ति है. I tell you, this is bhakti. क्या? What? भक्ति में भाग ना करना होता है. बुद्धि भी भागती रहती, मन भी भागता रहता, शरीर भी भागता रहता. You have to run in bhakti. The intellect keeps running, the mind keeps running, and the body also keeps running. इसमें कोई ज्ञान नहीं रखा है. There is no knowledge in it. क्यों? Why? क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है. It is because bhakti comes from many.
भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनेकों के द्वारा लिखे हुए हैं। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति आर आल्सो रिटन बाय मेनी। उसे कोई ज्ञान नहीं देंगे। इट वोंट बी कॉल्ड नॉलेज। और ज्ञान एक से आता है। एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम द वन। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब कर्म कांड के साथ। All these scriptures, the Vedas, the Upanishads, the Purans, etc. are for Karma Kand, that is, ceremonial acts and sacrificial rites and rituals. Yeah? What? Sharirik tap karo, ek paav pe khade ho jao. Do physical tap, that is intense meditation, stand on one leg. Jangal mein chale jao. Go to the forest. Yajna karo, swaha swaha karo, asan lagao, pranayam karo. Organize yagya, say swaha swaha, do asanas, that is yogic postures, do pranayam, that is regulated breathing exercises. ये सब शारीरिक कर्म करने के हिसाब से जो बनाई गई प्रक्रियाएं बताई गई उनको कर्म कांड कहा जाता है। All these methods that have been created, mentioned for the sake of performing physical actions are called karma kand. इनको कहा जाता है कर्म कांड के साथ। In fact, they are called the scriptures of karma kand. वेदों में भी कर्म कांड की बात है, बताइए। The topics of karma kand have been mentioned in the Vedas as well. ऐसे तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी है उसमें भी लिखा है। As such, it has been written even in the Gita written by human beings. हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ओ अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं, वे तीन गुणों से अटे हुए पड़े हैं। इट मीन्स, ओ अर्जुन, दिस वेदास आर स्टक इन द थ्री क्वालिटीज, नेमली सतो रजो तमो। तू तीन गुणों से परे चला जा। गो बियॉन्ड द थ्री क्वालिटीज। ऐसी आत्मा की स्टेज बना कि जिसमें सत्व रज तम इन तीन गुणों का कोई असर न हो। मेक द स्टेज ऑफ योर सोल सच दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सत्व रज एंड तम। तो मैं कोई कर्म कांड नहीं सिखाता हूँ। सो आई डोंट टीच एनी कर्म कांड। क्या? व्हाट? कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। एक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू कर्म इंद्रिया। पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस। कैसे किए जाते? हवा दे परफॉर्म्ड। ज्ञान इंद्रियों से कर्म करेंगे। एक्शंस विल बी परफॉर्म्ड थ्रू द ज्ञान इंद्रिया मीनिंग सेंस ऑर्गन्स। लेकिन मैं जो ज्ञान सिखाता हूँ, बट द नॉलेज दैट आई टीच, वो तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने वाला जो मन है उसको ही स्तब्ध करा देता हूँ। आई मेक द माइंड विच कंट्रोल्स द ज्ञान इंद्रिया एंड द कर्म इंद्रिया कॉन्स्टेंट। बस में कराना सिखाता हूँ। आई टीच यू टू कंट्रोल इट। तो कर्म इंद्रिया कहाँ से कर्म करेंगी? देन हाउ विल द कर्म इंद्रिया परफॉर्म एक्शंस? कर्म ही नहीं करेंगी तो कर्म कांड भी नहीं होंगे। इफ दे डोंट परफॉर्म एक्शंस एट ऑल देयर वोंट बी कर्म कांड ईदर। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ इसमें ज्ञान इंद्रियों का कोई कर्म नहीं, कर्म इंद्रियों का भी कोई कर्म नहीं। So, I teach such knowledge in which there are neither the actions of the Gyanendriya nor of the Karmendriya. क्या? What? आत्मा की बात है। It is all about the soul. मन को आत्मा ने कंट्रोल किया। The soul controlled the mind. क्या? What? चित्त एकाग्र हुआ। The mind is focused. तो मन एकाग्र होने से सारी इंद्रियां एकाग्र हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। When the mind becomes focused, all the indriyas become focused. They are under control. Indriya meaning parts of the body used to perform actions and the sense organs. उससे क्या रिजल्ट आता है? What is the result of it? आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। They experience the happiness of the soul. इंद्रियों से परे की सुख की अनुभूति। The happiness beyond the indriya. उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। दैट इज कॉल्ड द सुपर सेंशुअस जॉय। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। सो आई टीच सच नॉलेज।
अतीन्द्रिय सुख देने वाली पढ़ाई कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ाई गई। द नॉलेज दैट गिव्स सुपर सेंसुअस जॉय इज़न्ट टॉट इन द स्क्रिप्चर्स। क्या? व्हाट? शास्त्रों में तो वही कर्मकांड की बात है, कर्म इंद्रियों से कर्म करो। द सेम टॉपिक्स ऑफ कर्मकांड आर रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। परफॉर्म एक्शंस थ्रू द कर्म इंद्रिया। कर्म बंधन में बंधो, फिर अगला जन्म लो। बाइंड योर सेल्फ इन द बॉन्डेज ऑफ एक्शंस एंड हैव अनदर बर्थ। पढ़ाई से तो जब कोई पद प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। द नॉलेज थ्रू विच यू अटेन अ स्टेटस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ गॉड। नाम ही है ईश्वर। द वेरी नेम इज ईश्वर। श्रेष्ठ शासन करने वाला। द वन हू रूल्स इन द एलिवेटेड वे। तो शासन करना ही सिखाएगा ना, शासक ही बनाएगा ना। सो ही विल डेफिनेटली टीच हाउ टू रूल, वोंट ही? He will make rulers, won't he? तो देखो, so look, जो बाप पढ़ा रहे हैं राजयोग की पढ़ाई, इसको भी पढ़ाई ही कहेंगे। The study of Rajyog that the father is teaching will also be called a study. क्योंकि ये ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाली है। Because it makes us attain the highest of the high status. जो पद दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं दिला पाया। No religious father could make anyone attain that status in the world. अभी देखो। Now look. बाप पढ़ाए रहे हैं बच्चों को। The father is teaching the children. ये भगवान वाच है। So this is भगवान वाच, meaning the words of God. तो देखो, सारे 5000 वर्ष में भगवान वाच करने के लिए एक ही बार आते हैं। So look. God comes to speak only once in the entire 5000 years. और उन्होंने भक्ति मार्ग के शास्त्रों में क्या लिख दिया? And what have they written in the scriptures of the path of bhakti? कल्प कल्प लभ प्रभु अवतारा के साथ ये भी लिख दिया, संभवामि योगे योगे। Along with कल्प कल्प लभ प्रभु अवतारा, meaning God incarnates in every cycle, they have also written संभवामि योगे योगे। मैं हर युग में आता हूँ। अच्छा चलो, चार युगों में चार बार आते होंगे। Meaning I come in every age. अच्छा, all right. He will come four times in the four ages. फिर कहते हैं दशावतार हुए, भगवान ने दस अवतार लिए। Then they say there were दशावतार, meaning God had 10 incarnations. फिर कहते हैं 24 अवतार लिए। Then they say he had 24 incarnations. अरे, कोई आगा पीछा है, कोई हिसाब किताब है? अरे, is there any logic? Is there any calculation? तो बाप कहते हैं, सो द फादर सेज, मैं तो चारों ही युग की चतुर्युगी के चक्कर में कल्प में सिर्फ एक बार आता हूँ। आई कम ओनली वंस इन द एंटायर साइकिल ऑफ द फोर एजेस। कब आता हूँ? व्हेन डू आई कम? जब दुनिया सतो प्रधान से गिरते गिरते रजो प्रधान से नीचे गिरते गिरते एकदम तमो प्रधान हो जाती, दुखदायी। When the world gradually falls from Sato Pradhan and Rajo Pradhan and becomes completely Tamo Pradhan and sorrow giving. तो एक ही बार आता हूँ। So I come only once. फिर 5000 वर्ष में बीच में कभी भी नहीं आता हूँ। And I never come again in between within the 5000 years. फिर तो बीच में कभी भी ये भगवान वाच होगा ही नहीं। Then this Bhagwan watch will never happen again in between. तो शास्त्रों में दिखाई दिया, द्वापर में महाभारी युद्ध कराया भगवान ने आकर के, गीता ज्ञान सुनाया। They have shown in the scriptures that God came in the copper age, waged the Mahabharat war and narrated the knowledge of the Gita. मैं तो कहता हूँ, In fact, I say, कि अभी आया हुआ हूँ। I have come now. फिर 5000 वर्ष के बाद फिर होगा भगवान वाच, और वो भी दुनिया वालों के प्रति नहीं, बच्चों के प्रति होगा। Then there will be Bhagwan watch again after 5000 years and that too it won't be for the worldly people, it will be for the children. और बच्चे अभी समझते भी हैं कि बाप से हम सारी रचयिता तो है ही बाप। And now the children also understand that from the father we all the father is indeed the creator. रचयिता का और उसकी रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान अभी ले रहे हैं। Now we are obtaining the complete knowledge of the creator
and the beginning, the middle and the end of his creation. Om. Om Shanti.